भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के तीन डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। भिवंडी से थाने जा रही चलती बस की ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको बस पूरी तरह यात्रियों से ओवरलोड मिलेगी और यहां तक कि बस का बैलेंस भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इसके बावजूद ओवरलोडेड बस में मजीद यात्रियों को आने दिया जा रहा है। इस तरह से ना सिर्फ यात्रियों की सेहत पर असर आ सकता है, साथ ही ऐसे हालात में कोई बड़ा सड़क हादसा भी देखने को मिल सकता है। सिचुएशन मजीद खराब होने से पहले ही इस मामले पर कॉरपोरेशन और रिलेटेड अधिकारियों को गौर करना चाहिए। भिवंडी में पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक, खराब सड़कें और सड़क हादसों की खबरों में इजाफा हो गया है। यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, ना ही रास्तों और बड़ी गाड़ियों के लिए कोई प्लान रेडी किया गया है, जिससे शहर भर में ट्रैफिक जैसे गंभीर मसले को हल किया जा सके। भिवंडी कई महीनों से बड़े पैमाने पर हो रहे ट्रैफिक जाम से मशहूर हो गया है और हाल ही में US बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे स्लोवेस्ट सिटी ट्रैफिक इंडेक्स पर 5वें नंबर पर भिवंडी आ गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भिवंडी में कितने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक का मसला गंभीर हुआ है। आज भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक 34 साल शख्स की डेड बॉडी नाले के पानी में पाई गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया और जांच शुरू की। फिलहाल इस मामले में मजीद खुलासा नहीं हो सका है, जांच अब भी जारी है। नांदेड़ स्थित एक हॉस्पिटल में पिछले 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत ने सभी को दहशत में डाल दिया है। जवान और बुजुर्गों समेत कई न्यूबॉर्न बेबीज की भी जान चली गई, जिसकी जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कहा है कि ये सभी मौतें मेडिसिन और स्टाफ की कमी की वजह से नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले में संजीदगी से जांच की जाएगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा एक नया आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब फोन पर कर्मचारी हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम से अपनी बातचीत शुरू करेंगे और यह अनिवार्य किया गया है, क्योंकि हेलो शब्द वेस्टर्न कल्चर से आया है। शाहपुर जिले में आज भी स्थानिक पक्की सड़क से महरूम है और इस वजह से एक गर्भवती महिला को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका और उसने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। लोगों ने कहा कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है विकास को लेकर, लेकिन उनके गांव में एक पक्की सड़क तक नहीं बनवाई गई है, जिससे आए दिन यहां इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। भिवंडी ग्रामीण में एक भैंस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब वायरल किया। बताया गया कि भैंस ने कई लड़ाइयां जीतकर गांव का नाम रोशन किया है और इस बार इसके तीसरे जन्मदिन पर सारे गांव वालों ने केक काटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भिवंडी में खराब सड़कें और गड्ढे लगातार विवाद का कारण बन रहे हैं। खबरों के मुताबिक वंजारपट्टी नाके पर गड्ढों की वजह से पैदल चल रहे तीन लोगों को टेम्पो से धक्का लग गया, जिसकी वजह से तीनों ने मिलकर टेम्पो चालक को लोहे की रॉड से पीटा, जिससे टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए थाने हॉस्पिटल भेजा गया। इस मामले में मजीद जाँच जारी है। भिवंडी शहर भाजपा महासचिव के पद पर प्रवीण मिश्रा को किया गया नियुक्त, जहां उन्होंने शहर में बीजेपी को मजबूत करने की बात कही और इस मौके पर विधायक महेश चौगले, संतोष शेट्टी, मंगेश यादव समेत कई भाजपा पदाधिकारियों ने प्रवीण मिश्रा को बधाई दी। आज की हमारी ये टॉप न्यूज आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही अपनी राय भी दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।